नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मैं हूं रविकांत। बिहार पॉलिटिकल अपडेट्स में आज सबसे बड़ी खबर हुई है कि ललन सिंह जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं और आरसीपी सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। एक व्यक्ति एक पार्टी के बात पर अडिग रही जदयू। वहीं बता दें कि इससे पहले नीतीश कुमार भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे थे और उससे पहले शरद यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए थे, मगर शरद यादव और नीतीश कुमार में कुछ ऐसी हुई 2015 विधानसभा और उसके बाद 2017 में जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने मर्ज किया था अपनी पार्टी को बीजेपी के साथ, ये बातें शरद यादव को पसंद नहीं आई और वहां से वो महागठबंधन के साथ हो लिए थे शरद यादव। वह भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे थे जनता दल यू के, मगर उसके बाद फिर नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं, फिर आरसीपी सिंह को सौंपते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी, मगर उसके बाद फिर जिस प्रकार से ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं, राजीव रंजन सिंह जो मुंगेर से लोकसभा सांसद हैं, जो मंत्री बनते बनते रह गए थे 2019 में आरसीपी सिंह के साथ, उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से बातें चल रही थी उपेंद्र कुशवाहा का, मगर उपेंद्र कुशवाहा को प्रदेश में ही सक्रिय रहने की जिम्मेदारी दी गई है, प्रदेश अध्यक्ष हुआ नहीं है, मगर संसदीय दल में जिस प्रकार से उनको रालोसपा के विलय के बाद जदयू में उनको दायित्व दिया गया, तो उसके बाद फिर जिस प्रकार से उन्हें यह कमान सौंपी गई, ये बातें समझ में आती है कि एक व्यक्ति एक पार्टी और आरसीपी सिंह ने इस्तीफा दिया है। हो सकता है कि नीतीश कुमार का ये एक्शन हो, नीतीश कुमार की इसमें भूमिका ना हो, इसमें कोई शक नहीं है, चाहे वो नीतीश कुमार कितना भी कह लें आरसीपी सिंह के मंत्री बनने के बाद, कि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला था कि कौन मंत्री बनेगा नहीं बनेगा, मगर ये तमाम चीजें नीतीश कुमार की रजामंदी से चलती है। इतनी बातें आम लोग भी समझते हैं मगर पार्टी पॉलिटिक्स के लोग ज्यादा समझते हैं। अभी मैं लोक जनशक्ति पार्टी की खबरें बिहार पॉलिटिकल अपडेट्स में ज्यादा कवर कर रहा हूं और कह सकते हैं कि हमारे पास समय वही है, मैं अभी एलजेपी कवर कर रहा हूं मगर बिहार पॉलिटिकल अपडेट्स मैं सुनाता रहूंगा। आज ललन सिंह नीतीश कुमार के काफी विश्वसनीय लोगों में है, बीच में कुछ वर्ष ऐसा रहा था जिसके बाद फिर ललन सिंह जदयू से बाहर जाते हैं, दोनों की सुरलयताल अलग होती है, मगर फिर से ललन सिंह पर विश्वास दिखाते हुए नीतीश कुमार ने यह जता दिया है। यह उनके पुराने दोस्त हैं और उस वक्त से साथ हैं जिस वक्त से राजनीति शुरू किए थे नीतीश कुमार, जिस वक्त से राजनीति सवाब पे थे, तो ललन सिंह उन विश्वसनीय लोगों में आते हैं। तो अभी के लिए हम इतना ही कहेंगे। आप अगर देख रहे होंगे झकास भारत तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और फेसबुक पेज देख रहे होंगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी हम खबरें लगातार भेज रहे हैं। ये बिहार पॉलिटिकल अपडेट्स में ये थी ललन सिंह की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की खबर, हमने पहले भी दिखाई थी और पहले भी तमाम बातें की थी। मेरा नाम हुआ रविकांत और आप देख रहे हैं झकास भारत। धन्यवाद।